हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मानसू ब्लॉग। अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ क्योंकि कल रात को बहुत देर तक एडिटिंग चलती रही और रात के करीबन 3-4 बजे तक एडिटिंग करा हूँ और उसके बाद सोया था। 10 बज चुके हैं, अभी जस्ट उठा हूँ, अब जाता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। आ गया हूँ मैं फ्रेश होके, फ्रेश होके आ चुका हूँ। अब नहाना बाकी है, नहाऊंगा बाद में, नहाऊंगा पानी आने के बाद नहाऊंगा। तो अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ये है मेरा नाश्ता, ब्रेड पकौड़ा है ये मम्मी के हाथों का बना हुआ, और ये मेरी चाय, सबसे लजीजदार चाय और ब्रेड पकौड़ा चाय। चलिए खाते हैं अब ये यमी यमी खाना और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। देखते हैं कहाँ जाना है कि आज प्लान बनता है। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे, खाना खाके नाश्ता करके मिलता हूँ मैं आपसे। नाश्ता तो कर चुका हूँ मैं, अभी जाना है आरटीओ, पापा का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए काम है। पिछली बार मैं SBI गया था, अब आज आरटीओ जाना है तो मैं आरटीओ में चलता हूँ। ये रहे पापा, हाय बोलिए पापा जी। तो पापा के साथ आरटीओ जाना है, आरटीओ में काम है तो वहां पे मैं दिखाऊंगा आपको आरटीओ, यहाँ का आरटीओ कैसा है। तो चलिए आरटीओ में मैं मिलता हूँ आपसे। अभी मैंने बात किया आरटीओ वालों से, मतलब जो वहां पे रहते हैं, बात किया मैंने उनसे, तो उन्होंने कहा कि आज नहीं आना, कल आना। तो आज का प्लान कैंसिल हो गया है जाना, तो हम कल चलेंगे, कल जाएंगे, कल जाके हम देखेंगे क्या काम है वहां पे, और आज तो कैंसिल हो गया है।
तो अभी पापा आए हैं हॉस्पिटल से, गए थे अपना दिखाने के लिए, उनके पेट में दर्द हो रहा था तो डॉक्टर ने कहा है रिपोर्ट्स के लिए, कल अभी रिपोर्ट्स आई नहीं है तो देखते हैं रिपोर्ट आती है तो क्या होता है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मम्मी ये क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं बेटा, सोच रही हूँ कौन सी चूड़ी पहनूं। अरे इतनी सारी चूड़ियां हैं, कोई सी भी पहन लो, इतनी डिजाइनर चूड़ियां रखी हैं आपकी। तू बता कौन सा पहनूं, ये पहनूं? मुझे क्या पता, मेरे को तो सारी अच्छी लग रही हैं आपकी चूड़ियां। अच्छा तुम बताओ कौन सी पहन लो। मुझे तो सारी अच्छी लग रही है, मैं कौन सी पहनू कह रहा हूँ। मैं नहीं, मुझे पहनना है, तुम नहीं पहनोगे ठीक है? अरे मुझे पता है, आपको एक चीज तो दिखाना मैं भूल ही गया, ये देखो मेरा राक्षस भाई। हाय कर जनता को, हाय कर मेरी, हाय। कहाँ गया था? सब्सक्राइब कर देना। कहाँ गया था आज? कुछ नहीं, पापा को हॉस्पिटल लेके गया था। क्या हुआ वहाँ हॉस्पिटल में? कुछ नहीं, अभी टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने, जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। अच्छा तो कब तक आएगी रिपोर्ट? कल तक आएगी, कल तक देखेंगे। कल फिर जाना है? हाँ। कितने बजे जाना है? कल 7:30 बजे जाना। अच्छा तो कुछ ज्यादा तो नहीं है ना, कोई मतलब ज्यादा पता नहीं, अब जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा ना। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि हल्का फुल्का मरोड़ है सर से पेट में, आप देखेंगे, अब रिपोर्ट आने के बाद क्लियर। दवाई ववाई लिखी कि नहीं? हाँ दवाई लिखी। हाँ मम्मी मैं आपको बताता हूँ, ये वाली चूड़ी पहनू, ये वाली नॉर्मली घर में चूड़ी पहनने लायक है। चलो ठीक है फिर, बाकी नहीं, सब मम्मी तो आप ये वाली पहनो। मैंने कह दिया ना ये वाली चूड़ी पहननी है। नहीं मम्मी ये वाली पहनूंगी अब। चलो ठीक है मैं ये वाली पहन लेती। नहीं मम्मी ये मैं जीत गया, ये मैं जीत गया, हार गया हार गया हार गया। अब ये वाली पहनो। अरे भाई वो शादी वाली, शादी में पहनने लायक चूड़ियां हैं। मैं मम्मा की वाली पहनूंगी। दिखाओ, अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है मम्मी ये वाली पहनो। करो ऐसे गिन 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 करो। चलो ठीक है। ये देखो इनको देखो। अच्छा अरे तो अभी चूड़ियों की सिलेक्शन हो रही थी कि मम्मी कौन सी चूड़ी पहने, तो उसके लिए मैं बता रहा था मम्मी को कि कौन सी चूड़ी पहनना चाहिए कौन सी नहीं पहननी चाहिए। वैसे तो सारी अच्छी थी, मेरे को तो सारी अच्छी लग रही है, अब मम्मी का है कि कौन से मम्मी को अच्छी लगेगी, तो उस हिसाब से मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया। भाई भी बता रहा था लोगों को, मम्मी को बता रहा था कि ये पहनो वो पहनो, लेकिन मैं जीत गया मैं जीत गया। ये देखो भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये? 5 रुपए चूड़ी बेचना चाहिए। 5 रुपए की चूड़ी भाई, वो बहुत महंगी चूड़ियां हैं। पैसों की कमी हो रही है आजकल, बेरोजगारी हो रही है मेरे पास, सोचो चूड़ी बेच लेता हूँ। कितने रुपए किलो, कितने रुपए दर्जन चूड़ी है? किलो के हिसाब से नहीं मिलता, वरना तो हमारा भट्टा भाई नहीं है। 5 रुपए में एक चूड़ी चाहिए तो? 5 रुपए में एक चूड़ी? अरे भाई साहब नहीं लेनी, नहीं लेनी मुझे चूड़ी, नहीं लेनी। सस्ते लोग कहाँ है फिर हमारे पास, महंगे लोग आए। सस्ते लोग ना आए हमारे पास, महंगे लोग आए, महंगे लोग आए। कहाँ है दुकान आपकी? अभी तो यही लगी है, कल तक पता नहीं कहाँ लग गया। अभी चूड़ियों की रैपिंग हो रही है, ब्लॉग से फेमस हो जाओ चूड़ी। अभी चूड़ियों की रैपिंग हो रही है, मतलब सारी चूड़ियों को वापस डाला जा रहा है रैपिंग करके अंदर। यहाँ मम्मी डाल रही है बैठ के इस साइड, और इस साइड ये डाल रहा है। अरे रैपिंग करनी है, हाथ में नहीं डालना है उसे। मेरा है भाई, ये घुस जाने के बाद निकलेगा नहीं जल्दी। वाह सॉलिड। ए अभी तो देखो क्या, अभी तो रैपिंग हो रही है चूड़ियों की। भाई रैपिंग कर रहा है और मम्मी रैपिंग कर रही है इसकी, पीछे से वो तो सही कर ले, तकिया तो सही कर। इधर भी आना है, ये भी रैपिंग करना चाहते हैं लगता है। ये किसी को कैमरा लेके कहीं घुसरा थोड़ी होता है, हर जगह देखो कैमरा लेके घूम जा रहे हैं। अरे भाई जनता को दिखाया जा रहा है ना कि आखिर सौरभ भाई कर क्या रहे हैं, सौरभ भाई कौन सी चूड़ियों को रैपिंग कर रहे हैं। सौरभ भाई अब
जब बाहर निकलूंगा सब कहेंगे भैया चोरी बेचते हो, जरा मेरे को भी दे दो। हाँ सही है, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा बिजनेस। ये देखिए चूड़ी, ये मेरी मम्मी का हाथ है। लगा मेरे हाथ